दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की, जिसने पाकिस्तान की नवाज सरकार को भारत के साथ दोस्ती नहीं करने की सलाह दी है। हाफिज सईद ने भारत और इंडियन आर्मी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान सरकार, वहां की सेना, ISI या फिर आतंकियों का नापाक गठजोड़ ही भारत के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आतंकवादी को पाक सरकार की सलाह, भारत से दोस्ती ना करे पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार को दरअसल वहां की सरकार नहीं बल्कि आतंकी चलाते हैं। सरकार को क्या फैसला लेना है इस पर आतंकी अपनी खुली राय देते हैं। जी हां, लश्करे तैयबा और जमात दावा के सरगना और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत पर हमला बोला है। मुंबई हमलों और भारत में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले हाफिज सईद ने अब पाकिस्तान की नवाज सरकार से कहा है कि वो भारत से दोस्ती करने की गलती ना करे। मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद ने भारत और इंडियन आर्मी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हाफिज ने आरोप लगाया है कि दोनों ही कश्मीर के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। हाफिज के मुताबिक वो कश्मीर की जनता के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। यही नहीं, हाफिज ने कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन को आजादी की लड़ाई करार दिया है और कहा कि वो हमेशा इस लड़ाई का समर्थन करता रहेगा। आतंकी हाफिज सईद के इन आरोपों से साफ है कि नवाज सरकार में उसका बोलबाला है। इंशाल्लाह ये जुल्म खत्म होते रहेगा और इंशाल्लाह कश्मीर की आजादी को कोई नहीं रोक सकता। हाफिज खुलेआम पाकिस्तान में रैलियां करता है, खुलेआम आतंकियों को LOC में घुसकर भारतीय सेना का मुकाबला करने की सलाह देता है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इस मोस्ट वांटेड आतंकी पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि POK में एंटी इंडिया मुहिम चलाने के लिए पाकिस्तान सरकार हाफिज सईद को फंडिंग करती है। खुफिया रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान में सरकारी अफसर, ISI और पाक सेना भी हाफिज सईद को मदद मुहैया करा रही है। पाकिस्तान सरकार का आतंकवादियों को खुला सपोर्ट है। पाकिस्तान की नवाज सरकार पर इन आतंकियों का दबदबा है। साफ है, पाकिस्तान सरकार, सेना, ISI और आतंकियों का नापाक गठजोड़ ही भारत के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, भारत की देखा देखी। पाकिस्तान की संसद में 5000 के नोट को बंद करने का प्रस्ताव तो पास हो गया, लेकिन नोट पर बैन कब लगेगा इसे लेकर नवाज सरकार ने किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन पाकिस्तान में अफवाह ये फैली है कि नवाज शरीफ भी PM मोदी की तरह ही लोगों को अचानक ही झटका देंगे और 5000 के नोट को बंद कर दिया जाएगा। और इसके बाद से पाकिस्तान में अब सोना खरीदे जारी है और इसी के चलते सोने की कीमत यहां पर आसमान छूने लगी है। नोटबंदी की अफवाह से पाकिस्तान में हड़कंप। पांच हजार के नोट ने छीना पाकिस्तानियों का चैन। अगर सोना है तो सोना चाहिए। क्या पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ भी नरेंद्र मोदी की तरह अचानक ही अपनी सबसे बड़ी करेंसी 5000 के नोट को बंद कर देगी? ये सवाल इन दिनों पाकिस्तान में आग की तरह फैला हुआ है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान के लोगों की नींद उड़ गई है, खास तौर पर उन लोगों की जो लंबे समय से ब्लैक मनी को दबाए बैठे हैं। भारत में नोटबंदी के बाद पाकिस्तान की संसद में भी 5000 के नोट को बंद करने को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया जो बहुमत से पास भी हो गया। लेकिन 5000 के नोट को सरकार कब बैन करेगी इस पर अब भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में अफवाह जरूर फैल गई है कि नवाज सरकार भी PM मोदी की तरह 5000 के नोट को अचानक ही बंद कर देगी। बस फिर क्या था, आराम से सोने वाला पाकिस्तान सोने की मांग करने लगा। पूरे पाकिस्तान में सोने की मांग अचानक ही बढ़ गई। हालात ये हो गए कि पाकिस्तान में इस समय प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 50,600 रुपए पहुँच गई है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में ये कीमत 46,000 रुपए ही है। हालांकि पाकिस्तान ने इन खबरों को अफवाह करार दिया है। पाक वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है
कि खरीदारी में कैश के चलने को देखते हुए 5000 रुपए के नोट को बैन करने का फैसला अप्रभावी साबित हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इस फैसले से लोगों में चिंता की स्थिति पैदा हो जाए। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और ब्रांचलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने की दिशा में काम हो रहा है। देश में लोगों की करेंसी पर निर्भरता को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। भले ही पाक वित्त मंत्रालय ने इस खबर से इनकार कर दिया हो, लेकिन हकीकत ये है कि नवाज शरीफ जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम अपने ही नोटों के लिए भारतीयों की तरह कतार में खड़ी नहीं रहेगी और उनकी सरकार पर भी खतरा मंडरा सकता है। साथ ही अगर 5000 का नोट बंद होता है तो इससे भ्रष्टाचार के आरोप छिल रही उनकी पार्टी की कमर भी टूट सकती है। फिलहाल नवाज सरकार 5000 की नोट को लेकर हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ही हम कर रहे हैं तो भारत की देखा देखी पाकिस्तान की संसद में 5000 के नोट को बंद करने का प्रस्ताव तो पास हुआ, लेकिन नोट पर बैन कब लेगा इसे लेकर नवाज सरकार ने किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान में अफवाह यह फैली है कि नवाज शरीफ भी पीएम मोदी की तरह लोगों को अचानक ही झटका देंगे और 5000 के नोट को बंद कर देंगे और इसके बाद से पाकिस्तान में सोने की खरीदारी हो रही है। वर्ल्ड वॉर टू और परमाणु हमले के जख्म झेल रहे जापान को 75 साल बाद अपनी करतूतों की याद आई है। जापान की वो करतूत जिसने अमेरिका को वो जख्म दिया जिसका हर्जाना पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। जापान की वो गलती जिसका खामियाजा जापान की जनता आज तक भुगत रही है। उसी गलती पर मरहम लगाने की कोशिश 75 साल बाद की गई। पचहत्तर साल बाद ऐसा मौका आया जब जापान के किसी प्रधानमंत्री ने पर्ल हार्बर की सरजमी पर कदम रखा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कई वॉर मॉन्यूमेंट्स का दौरा कर जापानी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी बमबारी के बाद ही अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। शिंजो अबे पर्ल हार्बर के ज्वाइंट बेस पर उतरने के बाद सीधे होनोलुलु के युद्ध स्मारक गए, जहां उन्होंने कुछ देर के लिए मौन रखकर युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जापानी प्रधानमंत्री एक और स्मारक पर भी गए, जहां 2001 में जापान की एक फिशिंग बोट के अमेरिकी नेवी की पनडुब्बी से टकरा जाने के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। शिंजो अबे पहले ऐसे जापानी प्रधानमंत्री हैं जो पर्ल हार्बर हमले में मारे गए अमेरिकी लोगों के सम्मान में श्रद्धांजलि देने गए हैं। हालांकि इस महीने की शुरुआत में ही जापानी सरकार ने साफ कर दिया था कि पीएम अबे युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के लिए माफी नहीं मांगेंगे। अबे की इस यात्रा से पहले ओबामा ने 6 महीने पहले जापान में हिरोशिमा का दौरा कर अमेरिका के एटमी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी थी। पर्ल हार्बर पहुंचकर शिंजो अबे जहां अमेरिकी और जापान के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं चीन इससे जल भुन रहा था। मुझे डर है कि पर्ल हार्बर जाना और वर्ल्ड वॉर टू के खाते को खत्म करने की इच्छा एक खाप ही है। भूले मत कि दुनिया का फासीवादी विरोधी मुख्य युद्ध का मैदान चीन में था और चाइनीज लोगों ने बहुत त्याग किए थे इस युद्ध में जीत हासिल करने के लिए। चाइना और बाकी एशियन देशों से सुलह किए बिना जापान इस पन्ने को नहीं बदल सकता। साउथ चाइना सी के मुद्दे पर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। वहीं चीन की दादागिरी का जापान भी विरोध कर रहा है। ऐसे में जापान और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां चीन को एक आंख नहीं भा रही है। फिलहाल शिंजो अबे की इस यात्रा के बाद जापान और अमेरिका और कितने करीब आते हैं ये आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। तो पर्ल हार्बर का दौरा किया शिंजो आबे ने और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जापान की ओर से पर्ल हार्बर पर हुआ यह हमला अमेरिका के लिए वो ट्रिगर पॉइंट था जिसके बाद अमेरिका के सिर पर बदले का खून सवार हो गया था और उसने जापान पर परमाणु हमले जैसा कदम उठा लिया था। 7 दिसंबर को आखिर हुआ क्या था ये देखिए रिपोर्ट में। वर्ल्ड वार टू
विश्व इतिहास के वो खूनी पन्ने हैं जिनका दर्द आज भी दुनिया झेल रही है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ परमाणु अटैक आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। युद्ध का ये सबसे क्रूर चेहरा अमेरिका ने दिखाया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार का एक और अध्याय है जिसने अमेरिका को ऐसा क्रूर कदम उठाने पर मजबूर किया था। दिन 7 दिसंबर 1941, जगह पर्ल हार्बर, यूएस नेवल बेस। जब पूरी दुनिया का ध्यान सेकेंड वर्ल्ड वार पर था, इसी दौरान 7 दिसंबर 1941 की सुबह अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर जापान ने सबसे बड़ा हमला कर दिया। जापान की नौसेना इंपीरियल जापानीज नेवी ने बिना किसी चेतावनी के अमेरिकी नेवल बेस पर धावा बोल दिया। जापान ने यूएस पैसिफिक फ्लीट को बेअसर करने के इरादे से पर्ल हार्बर पर कॉर्पेट बॉम्बिंग कर दी। जापान ने पूरी सोची समझी रणनीति के तहत दो फेज में हमले किए थे। इसके लिए उसने फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और टॉर्पीडो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। जापान के 183 फाइटर जेट्स ने ओयो के ईस्ट में तैनात उसके 6 जंगी जहाजों से उड़ान भरी। नेवल बेस पर अचानक हुए इस अटैक से अमेरिका भी हक्का बक्का रह गया। हमले में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसके 2400 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हमले में अमेरिका के 8 में से 6 जंगी जहाज, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर समेत 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। वैसे तो अमेरिका और जापान के रिश्तों में पहले विश्व युद्ध के बाद से ही तनाव बना हुआ था, लेकिन किसी को जरा भी अनुमान नहीं था कि जापान पर्ल हार्बर पर अचानक इतनी बड़ी कार्रवाई करेगा। यही वजह है कि इस घटना से अमेरिकी स्तब्ध रह गए थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने हमले की तारीख 7 दिसंबर 1941 को कलंक का दिन कहा था, और इसी कलंक का बदला लेने के लिए अमेरिका अगले ही दिन दूसरे विश्व युद्ध की आग में कूद पड़ा और जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिसका खामियाजा जापान को हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले से चुकाना पड़ा था। इंटरनेशनलिस्ट, इंडिया 24/7।